इंदौर में जहरीली शराब पीने से अब तक छठवीं मौत हो गई है। बॉम्बे अस्पताल में भर्ती युवक मोहन सिंह चौहान ने दम तोड़ा। जहरीली शराब पीने के बाद से ही मोहन की हालत गंभीर बनी हुई थी, ऐसा बताया जा रहा है। उसके हाथों में हलचल के अलावा शरीर में दूसरा कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। इसके साथ ही वो ना तो किसी को पहचान पा रहा था और ना ही किसी को देख पा रहा था। मोहन के परिजनों के अनुसार उसके इलाज पर 5 लाख रुपए से अधिक पैसा खर्च हो चुका है। परिजनों के अनुसार महेश नगर में रहने वाले मोहन सिंह चौहान ने 24 और 25 जुलाई की रात सपना बार में शराब पी थी। उसके बाद से ही मोहन की हालत खराब थी। उसे उपचार के लिए बॉम्बे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मोहन पंजाब नेशनल बैंक में कैशियर के पद पर कार्यरत था। उसके 7 और 4 साल के 2 बेटे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। पंजाब नेशनल बैंक के कर्मी थे मोहन चौहान। ये शायद 25-26 तारीख को अस्पताल में भर्ती हुए थे बॉम्बे हॉस्पिटल में। तो जब प्रथम दिवस 26 तारीख को इनकी पत्नी का बयान हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि इनका जो है वो बीपी बढ़ जाता है और एसिडिटी रहती है। एसिडिटी कारण तब उस वक्त तात्कालिक रूप से उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बताई थी कि कोई शराब पिए। लेकिन जब 2-3 दिन भर्ती हो गए उनको, तो उसके बाद पेशेंट तो बोलने की स्थिति में था नहीं। तो रेगुलर फॉलोअप के लिए हॉस्पिटल जब दूसरी बार पुलिस पहुंची तो उनकी पत्नी ने बताया कि उनको ऐसा पता चला कि उन्होंने सपना बार में शराब पी थी। फिर हमने पता साझी की तो उन्होंने सपना बार में उनका निकलना और जाना पाया गया था। उन्होंने क्या पिया, कौन सी शराब पी, ये जांच का विषय है। लेकिन प्रथम दृष्टया इस मामले में अभी सूचना मिली हमको सुबह 8:40 पे कि उसकी मृत्यु हो गई रात में 1:20 पे। तो हमने मर्ग कायम किया। सब इंस्पेक्टर संजय भदौरिया जाँच के लिए गए हैं। अब जांच के उपरांत जैसी भी कार्रवाई होगी उसमें, वैसे भी मुकदमा ऑलरेडी कायम है धारा 328-308 IPC में। अब यदि उसकी मृत्यु हो गई तो हम उसमें धारा 304 का इजाफा करेंगे और उसका जो बिस्तरा वगैरह वो जांच के लिए